Today we are going to discuss about process of extension education. So you have to learn the short form of process of extension and education. And what is the short form? It is S means situation, O means objective, T means teaching, E means evaluation, and R means reconsideration. Because ये directly question में आ सकता है आ जाता है कि what is the process of extension education, और options में यही दिए होंगे, अलग अलग चीज़ें दी होंगी, तो उसमें से आपको क्या choose करना है, shorter. So shorter is the process of extension education. ये direct question आ चुका है आपके exams में, चाहे वो mid term हो चाहे वो competitive exams हो. Okay, so the sequence of steps is discussed on the basis of concept developed by Ligens. सो ये प्रोसेस है ना कि स्टेप्स हैं, ये शॉर्टर जो स्टेप्स हमारे यहाँ आए हैं, मतलब कि एक्सटेंशन एजुकेशन में यूज किए जाते हैं ये स्टेप्स, ये इनका कंसेप्ट किसने दिया था, तो इनका कॉन्सेप्ट दिया था Ligens ने. ओके, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे Ligens, जो कि फादर भी हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बनाए गए ये 5 स्टेप्स जो कि आते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर. ओके, सो पहले हम इसको समझ लेते हैं पेंटागन को, कि ये पेंटागन क्या बता रहा है. सो जब भी आप ये थ्योरी के एग्जाम में लिख के आएंगे, आपको ये पेंटागन बनाना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले. सो पहला जो इसकी साइड होती है वो शो करती है सिचुएशन को, यानी कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, उस रूरल एरिया की क्या सिचुएशन है, किस स्थिति में है वो. फिर हमने स्थिति जान ली एनालिसिस करके. फिर सेकेंड हम उसका ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उसे उस स्थिति से लेकर किसी अच्छी उनका डेवलप कर सकें, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकें. तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, जो अभी जो स्थिति है उसे इम्प्रूव कर दें. तो उसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, तो ये सेकंड स्टेप होता है. थर्ड स्टेप होता है टीचिंग, यानी कि अब हमने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए उस हिसाब से, और लोकल सिचुएशन के हिसाब से और बाकी लोकल पीपल के हिसाब से हमें चूज़ करना है कि हमें वहाँ पे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है और किस तरह से पढ़ाना है ताकि लोगों को समझ में आए. फिर हमारा जब हमने उन्हें पढ़ा दिया, उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे, यानी कि वहाँ पे हमारी जो प्रोग्रेस हमने लोगों को पढ़ाया था, रूरल पीपल को पढ़ाया था, तो उनमें चेंजेस आए या फिर नहीं, या वो उनका लेवल ऑफ स्टैंडिंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ या नहीं, या तो उसी जगह या फिर आगे अच्छे से इम्प्रूव हुआ. तो वो सब हम देखेंगे इस स्टेप्स के अंदर कि क्या हमारा जो हमने एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाया था उसे रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट किया था, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं. अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम फर्स्ट स्टेप से. फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है सिचुएशन क्या है, मतलब सिचुएशन थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होगी, हमने जो प्रोग्राम लगाया है तो उस हिसाब से हम फिर नए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. यदि बिल्कुल भी सिचुएशन सही नहीं हुई तो हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव में चेंज, तब भी हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे. क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कमी थी या फिर हमारे टीचिंग प्रोसेस में कमी थी, तो हम उनको चेंज करेंगे. ओके, सो इवेल्यूएशन किया, फिर उसके बाद आता है हमारा रिकंसिडरेशन, यानी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए. रिकंसिडरेशन यानी कि अगर हमने इवेल्यूएशन किया और हमारे अंदर प्रोग्रेस आई है, हमारे जो एक्सटेंशन वर्क है उसमें प्रोग्रेस आई है, तो फिर हम मानिए कि हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस सफल हुआ. अगर नहीं आई तो फिर हम दोबारा से प्लान करेंगे. और कितनी सफलता आई, पूरी तरह से अगर सफलता भी नहीं आई तब भी हम दोबारा से ये एक्सटेंशन प्रोग्राम पूरा बनाएंगे, जो कि सिचुएशन को जानना, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर टीचिंग करना, एंड देन इवेल्यूएशन एंड देन रिकंसिडरेशन. सो शॉर्टर्स आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. सो ये SOTER मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, यानी कि हम लोकल एरिया में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसे जानेंगे. ओके, तो ये है फर्स्ट स्टेप. अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है डिसाइडिंग ऑन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स,
यानी कि अब हम ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये कोई ऐसी नहीं बनाने हैं कि कंप्लीट हो ही ना पाए हमने ऐसी बना दिए जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं उन ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, तो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना है जो कि कम्युनिटी के द्वारा ही मतलब कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से एस्टेब्लिश होंगे। अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी सिलेक्टेड बाई इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल। ये नहीं है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना लिए और हम उन्हें कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, हमें लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ही तैयार करने हैं ताकि हम उन्हें कंप्लीट कर लें लोकल पीपल की मदद से। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। ओके, अब थर्ड हमारा स्टेप आता है टीचिंग, जो कि अब जो रूरल पीपल हैं उनको एक्सटेंशन वर्कर अब उन्हें टीचिंग के काम करेंगे, यानी कि टीचिंग का मेथड तैयार करेंगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ओके, कैसा मेथड यूज करना है ताकि सब लोगों को समझ में आए, है ना। ओके, और किस तरह से उन्हें पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है, ये सब इसमें थर्ड स्टेप में डिसाइड होगा। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द कम्युनिटी। और कैसे क्या चीज़ पढ़ाएंगे और किस बेसिस पर पढ़ाएंगे, जो भी रिसर्च हुई है इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की, यानी कि इकोनॉमिकली हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इम्प्रूव करें, गाय का मैनेजमेंट कैसे करें काओ एंड बफेलो को, और क्रॉप्स का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि फार्मर ज़्यादा अर्न करें। तो ये साइंटिफिक बेसिस हो गया और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ओके, जो कि पूरी अच्छी तरीके से लैब या फिर प्रैक्टिकली रिसर्च के द्वारा KBK या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में पहले से ही टेस्ट कर लिया हो, फिर बाद में जाके उन्हें फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट करना। सो ये सब होता है टीचिंग प्रोसेस में। फोर्थ आता है इवेल्यूएशन। अब हम एक्सटेंशन वर्कर ने वहाँ पे लोगों को जाके पढ़ा दिया, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोग्राम सफल हुआ है या नहीं, या फिर किस स्टेप्स तक पहुँचा है, या फिर महाकम आई है, तो ये कैसे पता चलेगा, इवेल्यूएशन के थ्रू। सो इवेल्यूएटिंग द टीचिंग डेट इज टू डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव हैव बीन रीच्ड। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इवेल्यूएट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक पहुँचे, उनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। अब आता है रिकंसिडरेशन, और ये लास्ट स्टेप्स है जो कि फिफ्थ है। सो इट इज़ डन ऑन द लाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवेल्यूएशन। अब इवेल्यूएशन का क्या रिजल्ट आया उसके बेसिस पे रिकंसिडरेशन किया जाएगा, यानी कि हमें प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करना है या फिर बीच में से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पहुँचा है, ये सब पता करने के बाद हम फिर से अपना प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे। तो ये होता है रिकंसिडरेशन। द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन मे बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम। अब जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड की गई किसमें, इवेल्यूएशन के फेज में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएंगे हमारे नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करने के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम के। यानी कि जो हमारी एक्सटेंशन प्रोसेस होती है ना, कंटिन्यूस होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। ओके, So thanks for watching.